हेलो दोस्तों, मैं हूं रेली सावलिया एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस बाइकर। सो काफी टाइम के बाद जो है वो चैनल पे फाइनली एक नई वीडियो आ रही है। ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद जो है वो ये वीडियो हमारे चैनल पे जो है वो एक नई आई है। एंड ये जो वीडियो है इसमें हम जो है वो कंपैरिजन करने वाले हैं 2 बाइकों के बीच में, जिसका बजट जो है वो हमने सेट किया है 4 लाख रुपए के करीबन। यानी कि ये दोनों ही बाइकें जो है वो आपको ऑन रोड ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए के करीब, यानी कि 10-20 हज़ार कम या फिर 10-20 हज़ार ज़्यादा जो है वो आपको मिल सकती है। एंड हर एक सिटी के हिसाब से जो है वो प्राइस वेरी करेगा, बट एट द एंड ये दोनों बाइकों का जो प्राइस रेंज है ये यही रहने वाला है। एंड ये जो दोनों ही बाइकें हैं इसमें से एक तो है रिसेंटली लॉन्च ड्यूक 390 2022, एंड एक हमारी लेजेंडरी जिसको कोई रिसेंटली अपडेट नहीं मिला बट फिर भी उसका कंपैरिजन करना बनता है, वो है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। सो ये दोनों ही बाइकें जो है वो उसका हम कंपैरिजन करेंगे। एंड जनरली इस प्राइस कैटेगरी में ये 2 बाइकें ही जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा कंपेयर की जाती है, तो आज जो है वो इसी दोनों को कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा जो है वो बेहतर हो सकती है, कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा सेंस बनाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट फ्रॉम द लुक्स किसके ज्यादा बेहतर है, तो लुक्स की बात की जाए तो एक चीज दिमाग में क्लियर रखो कि दोनों ही बाइकें जो है उनके लुक्स जो है वो अलग अलग कैटेगरी के जो है वो डिजाइन की गई है। जहां पे जो ड्यूक 390 है उसको ज्यादा स्पोर्टियर बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वो एक स्ट्रीट नेकेड बोल सकते हैं या फिर एक नेकेड स्पोर्ट बाइक जो है वो उसे आप बोल सकते हैं, तो उसके लुक्स जो है वो ज्यादा स्पोर्टियर ज्यादा शार्प बनाए जा रहे हैं। जबकि जो कॉन्टिनेंटल GT 650 है उसको लुक्स के बारे में कोई भी अपडेट जो है वो लाइक फ्रॉम लॉन्चिंग आज तक नहीं मिला। एंड कॉन्टिनेंटल GT 650 के जो लुक्स है वो मुझे तो ऐसे ही बहुत ज्यादा बेहतर लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको एक अपडेट की जरूरत है। आपको किसके लुक्स ज्यादा पसंद आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरा अपना ओपिनियन बताओ तो मुझे जो है वो कॉन्टिनेंटल के सटल लुक्स जो है वो ज्यादा पसंद आए, बट इफ आई एम थिंकिंग अबाउट नेकेड स्पोर्ट देन नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी में ड्यूक 390 से बेहतर लुक्स किसी और के नहीं हो सकते। सो यही बात है, तो ये हो गई लुक्स की बात। अब बात कर लेते हैं दोनों के ही परफॉर्मेंस के बारे में कि किस में ज़्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा एंड किस में कितना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एंड जो अपडेट मिला है उसमें क्या जो है वो KTM ने आपको परफॉर्मेंस वाइज अपग्रेड्स दिए हैं। तो अब अगर बात की जाए परफॉर्मेंस वाइज कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर हो सकती है, तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बाइकों के बहुत ज़्यादा अलग है। इसमें आपको ड्यूक में मिलता है 373 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन, जबकि आपको कॉन्टिनेंटल GT 650 में मिलता है पैरेलल ट्विन इंजन, यानी कि ट्विन सिलेंडर इंजन है। एंड साथ ही में वो एयर प्लस ऑयल कूल्ड जो है वो आपको इंजन मिलता है 650 cc के डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब बात की जाए कि अपडेट में क्या ड्यूक के इंजन में कोई चेंजेस किए गए हैं, तो नहीं। अपडेट में जो है वो जो BS6 वाली जब ड्यूक लॉन्च हुई थी उसके बाद से जो है वो कोई भी अपडेट जो है वो इंजन वाइज ड्यूक में नहीं किया गया। वेरस अगर कॉन्टिनेंटल की बात की जाए तो उसमें भी सेम चीज़ है कि BS6 एक बार लॉन्च हुआ उसके बाद में जो है वो कॉन्टिनेंटल के इंजन में भी कोई अपडेट नहीं मिला है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको मैं बात करूँ कि सीधे सीधे अगर भाई मेरे को बताओ कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी, सो अगर इनिशियल पूल की बात की जाए तो इनिशियल पूल जो है वो शायद आपको कॉन्टिनेंटल में ज़्यादा फील हो, क्योंकि कॉन्टिनेंटल में जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा है इफ़ यू कंपेयर इट विथ ड्यूक 390, क्योंकि ड्यूक 390 में है 37 Nm एंड जबकि आपको कॉन्टिनेंटल में मिलता है 54 Nm। एंड KTM की बाइक्स का एक और नेचर है कि KTM की बाइक्स जो है वो 5000 RPM के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा पावर देती है, जबकि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स जो है वो आपको इन बिटवीन 1000 to 2500 RPM ज़्यादा पावर देती है। सो दैट्स व्हाई आई टेल यू कि इनिशियल पुल जो है वो ज़्यादा आपको बेहतर मिलेगा कॉन्टिनेंटल में। बाकी रिफाइनमेंट की बात की जाए तो वैसे तो जो रॉयल एनफील्ड का पैरेलल ट्विन मोटर है वो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि रॉयल एनफील्ड के सारे ही इंजन से सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, बट फिर भी जो रॉयल एनफील्ड का नेचर रहा है कि थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस आपको फील होती है, तो हाँ
वो वहां पे है। बट इफ यू टॉक अबाउट ड्यूक 390 यानी कि KTM की सारी बाइक्स पहले से बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा रिफाइंड इंजन के साथ में आई है, तो उधर आपको जो है वो वाइब्रेशन वगैरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हो गई परफॉर्मेंस के बारे में। एंड अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही बाइकों का कंफर्ट जो है वो आपको यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के कंफर्ट के बारे में कि दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा कंफर्टेबल है फॉर राइडर फॉर पिनियन, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि दोनों में से एक भी बाइक जो है वो पिलियन कंफर्ट के लिए तो डिजाइन की ही नहीं गई। एंड कॉन्टिनेंटल में ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा पिलियन कंफर्ट है अगर हम दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं राइडर कंफर्ट के बारे में, राइडर कंफर्ट में दोनों ही बाइक जो है वो इक्वली जो है वो सेट की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बाइक्स में जो है वो पोस्चर जो है वो थोड़ा सा स्पोर्टियर साइड पे है। कॉन्टिनेंटल GT650 में जो थोड़ा सा रिलैक्स पोस्चर है, इतना ज्यादा स्पोर्टियर नहीं है ड्यूक 390 के जितना। बाकी अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछेगा कि दोनों में से कौन सा जो है वो राइडिंग पोस्चर मेरे को ज्यादा पसंद है फॉर राइडर, मैं कहूंगा कि कॉन्टिनेंटल वाला जो राइड का जो पोस्चर है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स साइड पे है। न्यूक के जितना जो है वो स्पोर्टियर यहाँ पे आपको नहीं मिलता, तो वो एक जो है वो अच्छी बात यहाँ पे बन जाती है। तो ये तो बात हो गई कंफर्ट की। तो अब बात करते हैं कि दोनों में से किसका मेंटेनेंस ज्यादा आसान है, किसका ज्यादा सस्ता है, किसका ज्यादा जो है वो रिलायबल है। तो सबसे पहले ही दोनों के सर्विस सेंटर की बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड के जितने सर्विस सेंटर है उतने आपको KTM के शायद नहीं ही मिलेंगे। हर एक स्टेट में रॉयल एनफील्ड के ज्यादा सर्विस सेंटर है इफ यू कंपेयर इट विद KTM। बट अगर आप मेरे से ऐसा पूछो कि किसके सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर जो है वो आपको मिलता है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि मैंने जहां तक सुना है वहां तक KTM की मैंने कम कंप्लेन सुनी है एज कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड की सर्विस सेंटर की कंप्लेंट्स जो मैंने बहुत सारे ओनर से, बहुत सारे राइडर से जो है वो सुना है, KTM का भी सुना है पर KTM की कम कंप्लेंट्स सुनी है। तो हाँ, रॉयल एनफील्ड लेते वक्त एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपके आसपास जो सर्विस सेंटर है वो कैसे है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो कैसा है, तो ये वाली चीज है। बाकी मेंटेनेंस किसका ज्यादा सस्ता है, किसका ज्यादा महंगा है, उसकी बात की जाए तो दोनों का मेंटेनेंस जो है वो भले ही एक में सिंगल सिलेंडर इंजन हो, एक में पैरेलल ट्विन इंजन हो, बट दोनों का जो मेंटेनेंस का जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही जो है वो रहता है। अगर इंजन का ही कोई पार्ट वगैरह खराब हो जाए तो मे बी रॉयल एनफील्ड का थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि पैरेलल ट्विन मोटर है, बट ऑलमोस्ट लाइक 99% ऑफ द टाइम जो है वो आपको दोनों के ही पार्ट्स जो है वो लाइक इक्वली जो है वो आपको आसपास के ही प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। एंड दोनों का ही जो मेंटेनेंस है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि आपको बर्डन लगे, इतना ज्यादा सस्ता भी नहीं है कि आप खुश हो जाए। तो हाँ, दोनों के जो पार्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं, उनका प्राइस जो है वो वर्थ है कहीं ना कहीं पे, तो ये वाली चीज है। तो मेंटेनेंस के बारे में जो है वो मैं कहूंगा कि दोनों ही बाइक में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेंटेन जरूर करिएगा एंड थोड़ा सा दिमाग में भी रखिएगा मेंटेनेंस कोस्ट को, बट लाइक बहुत ज्यादा सोचना पड़े लाइक बहुत वो 650cc की कावासाकी वो सब बाइक्स आती है उसके जितना जो है वो आपको मेंटेनेंस ऑब्वियसली नहीं ही करना पड़ेगा। वो एक बहुत अच्छी बात है दोनों ही बाइकों के साथ में। तो ये तो हो गई मेंटेनेंस की बात। अब बात करते हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, दोनों में से कौन सी बाइक में किस बंदे को सजेस्ट करूंगा, दोनों में से कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बाइक हर एक की कैटेगरी में फिट नहीं हो सकती एंड ऑब्वियसली आप भी दोनों में से कोई एक ही बाइक लेने वाला है। अगर हम यहाँ पे बात की जाए प्राइसिंग की तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम के पास ही जो है वो आ जाती है, बट हाँ ड्यूक 390 में भी आपको थोड़ी सी सस्ती जो है वो मिल जाए। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बजट में हो तो ड्यूक 390 की तरफ ही जा सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता कि लाइक कोई 20-25 हजार या फिर 15-20 हजार के लिए जो है वो ज्यादा जो है वो देखेगा। एंड अगर फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो मैं जो है वो कंक्लूजन पे आ चुका हूँ एंड ये मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर आपकी राइडिंग ज्यादा लोकली है, यानी कि आप ज्यादा सिटी में चलाते हैं, आप जो है वो ज्यादा सिटी ट्रैफिक से गुजरते हैं, तो ड्यूक ज्यादा बेहतर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। उसका एक ही रीजन है कि ड्यूक का जो इंजन है वो लिक्विड कूल्ड है, जबकि आपको कॉन्टिनेंटल में जो इंजन मिलता है वो 650cc का पैरेलल ट्विन एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है।
सो बिकॉज यहाँ पे एयर कूल्ड की फिन्स लगी हुई है तो वो जो है वो गर्मी फेंकती है। एंड कॉन्टिनेंटल में आपके जो पैर की पोजीशन है वो इंजन से बहुत ज्यादा ही जो है वो नजदीक है, तो आपको जो है वो लाइक बहुत ज्यादा हीट जो है वो फील होगी जब भी आप ट्रैफिक में जो है वो राइड करने वाले हैं, तो ये चीज जो है वो आप एक दिमाग में रखेगा। एंड एक और दूसरा पॉइंट कि कॉन्टिनेंटल जो है वो ज्यादा हैवी है, ज्यादा जो है वो मनूवर करने के लिए मुश्किल जो है वो आपको कॉन्टिनेंटल में होती है, जबकि ड्यूक के साथ में ऐसा नहीं है। ड्यूक एक तो हल्की है एंड मनूवर करने में भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कॉन्टिनेंटल ज्यादा ब्रॉड है तो आपको जो है वो सिटी से निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एंड हैवी है, ब्रॉड है, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑब्वियसली ये चीज जो है वो सिटी के लिए नहीं बनी हुई है। एंड अगर आप हाईवे राइड्स की बात करें तो अगर आप पूरा फन लेना चाहते हो एक इनिशियल पिकअप का, एक रॉकेट वाली मशीन का, तो वो वाला जो फील है वो आपको कॉन्टिनेंटल में मिलेगा। बट अगर आप जो है वो लाइक ड्रैग रेसेस, ट्रैक वगैरह पे जाना चाहते हो, आप जो है वो रेड लाइन पे बहुत ज्यादा जो है वो चलाते हो, आपके अंदर वो एक स्पीड वाला जो है वो नेचर है, आपको एक स्पीड वाला नेचर आपकी बाइक में भी चाहिए, तो बेशक ड्यूक 390 के तरफ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी फीचर्स भी ड्यूक में ज्यादा आपको दिए जाते हैं, तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं कन्वीनियंट रहता है फीचर वाइज। अगर आप बहुत ज्यादा भगाते हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी और नेचर पसंद करते हैं, तो ड्यूक जो है वो आपको ज्यादा एंगेज कर सकती है। तो मेरे लिए कॉन्टिनेंटल भले ही कम फीचर के साथ में आए, भले ही 20-25 हजार ज्यादा देने पड़े, पर मैं आज भी मानता हूं कि कॉन्टिनेंटल के जितना जो है वो बेहतर आपको कोई और बाइक में जो है वो कुछ भी कह लो वो नहीं मिलेगा। उतना ज्यादा पावर नहीं मिलेगा, उतना ज्यादा टॉर्क नहीं मिलेगा, या फिर उतना ज्यादा जो है वो आपको फन कॉन्टिनेंटल वाला नहीं मिलेगा। भले ही जो है वो ड्यूक 390 कितनी भी भाग ले, ड्यूक 390 कितनी ही रेड लाइंस कर ले, ड्यूक 390 कितनी ही ड्रैग रेसेस जीत जाए, पर मैं आज भी यही मानता हूँ कि कॉन्टिनेंटल GT 650 से ज्यादा बेहतर बाइक जो है वो उस कैटेगरी में नहीं हो सकती। एंड एक और जो है वो आपको मैं चीज बता दूं कि ये वीडियो जो है वो कहीं से भी स्पॉन्सर नहीं है, ये वीडियो में सारे ही बताई हुई चीजें मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे जो है वो ऐसा ही डेली कंटेंट जो है वो आता है एंड ऐसे ही डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी जो है वो इस चैनल पे आते हैं। सो बस यही आज की वीडियो के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ, लिव लॉन्ग एंड बाय बाय।